अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब वर्ल्ड, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अभी जी सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करना था, इसके लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना था। ये मैंने ले लिया है जी। स्पेशल आज की रेसिपी है, टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है, ठीक है, बच्चों को लंच में देने के लिए रेसिपी है। ये चिकन ले लिया है तकरीबन 1/2 kg, उसके छोटे छोटे पीसेस मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास चॉपर है चॉपर में चॉप कर, लेकिन पीसेस करके ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने काट लिए हैं, ये छोटे छोटे पीसेस के देखें जी, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन के, कि चिकन है बोनलेस, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँगी बोनलेस काटने के बाद। ये देखें जी, सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, एक बर्तन के अंदर डाल दिया मैंने बोनलेस। ये नमक डाल दूँ जी, 1 teaspoon के करीब नमक जा रहा है जी इस चिकन के अंदर। नमक के अलावा जी इसके अंदर अब नेक्स्ट क्या जाएगा जी, ये जी लहसुन जो है वो चॉप्ड लहसुन है, 1 teaspoon भर कर है लहसुन। नमक और लहसुन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है चिकन के अंदर। चिकन को धोकर हमने पीसेस छोटे छोटे कर लिया थे, फिर हमने ऐड कर लिया। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर सोया सॉस। इसी ये जो हम सब कुछ मिक्स कर रहे हैं, इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून भर कर सोया सॉस डाल देंगे। इस जो हमने बनाया है जी सोया सॉस हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर। अब इसके अंदर जी हमने क्या डाला है, सिरका डाला है जी हमने, वो भी हमने 1 टेबल स्पून भर कर सिरका भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसके अंदर डालेंगे जी किसी भी प्रोडक्ट का, चिली सॉस पर ले रहे हैं जी हम, चिली सॉस डाल रहे हैं। सिरका डाल दिया है, सोया सॉस और चिली सॉस तीनों चीज़ें हमने ले लिया जी 1 टेबल स्पून भर कर। ये हमने ले लिया जी 1 टेबल स्पून भर कर हमने ले लिया है जी। कोई भी किसी भी ब्रांड का आप लोग ले लें, टिक्का मसाला है, ठीक है, हमने वो डाल दिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल मसालों से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन 4 से 5 चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई स्पून ले लें आप हाथ की मदद से कर लें। अच्छा, मैंने एक हाथ में नूरी को उठाया हुआ है तो इसलिए मैं स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नूरी अभी मेरे पास ही है, वो जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही। अब स्पून ले कर जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि मसाला तमाम चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको क्या करना है, इसको हमने जी 1/2 hour ज़रूर मैरिनेट कर लेना है। आप फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख लें, बाहर रखना चाहते हैं बाहर रख लें, कोई इतना इशू नहीं है कि अंदर रखना है या बाहर रखना है, ठीक है। ये हमने रख दिया मैरिनेशन के लिए। अब ये मैरिनेशन इसकी हो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, फिर बाकी प्रोसेस सारा करने के बाद इसको हम पका लेंगे चूल्हे के ऊपर। ये देखें, ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इसका, ठीक है, सारा मसाला इसके ऊपर लग गया। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला नहीं लगाया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी पसंद नहीं करते, तो हमने ये नॉर्मल सा मसाला इसके ऊपर लगा के इसको मैरिनेट कर लिया है। अब हमने एक पैन ले लिया 1/2 hour के बाद, उस पैन को हमने हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डाल देंगे जी ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का कस डालेंगे। अब नूरी जो है वो रो रही है, तंग कर रही है मुझे, ये देखें जी डाल लिया हमने ऑयल। उसको गर्म करने के बाद हम ये सर्व सारा जो हमने मिक्सचर है चिकन वाला जो हमने मैरिनेट किया था, वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे पैन के अंदर। हल्का सा इसको हिला लेंगे ताकि वो तमाम जो है वो एक बार इसको घी के लपेट लपेट के हिलाने, ताकि वो घी उसके साथ लग जाए जो ऑयल डाला है पैन के अंदर। उसके बाद इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि चिकन जो अपना पानी छोड़ जाए, टेंडर हो जाए, ठीक है, चिकन इसके बाद गल जाए अच्छा सा। ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए इसको, फिर हम इसके ऊपर जो है वो उसका कवर दे देंगे, ढक्कन दे देंगे इस पैन का, और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जी देखें, 4-5 मिनट बाद देखें ये पानी जो है हल्का सा इसका निकलना शुरू हो गया है, यानी कि ये गोश्त काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। ये देख लें जी, हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हम डाल लेंगे इस टाइप पे, इस टाइम पे आके ना हम डाल लेंगे उसके अंदर। अब हमने इसके अंदर जी ऐड करना है जी 1/2 teaspoon ओरिगैनो डालना है हमने इसके अंदर, और 1/2 teaspoon हमने इसके अंदर डालना है जी मिक्स्ड हर्ब्स डालेंगे, और 1/2 teaspoon से भी कम इसके अंदर डालेंगे पेपरिका पाउडर। सिर्फ जो है वो थोड़े से रंग के लिए होती है, टेस्ट उसका नहीं होता। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, 3 चीज़ें अगर नहीं है तो आप लोग बेशक स्किप कर सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं ओरिगैनो डाल रही हूँ अभी इस टाइम, अगर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बिल्कुल स्किप कर लें। इसको हल्का सा मिक्स कर लें और आपका जो है ये मिक्सचर जो है सैंडविच के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पराठा रोल में भी यूज़ कर सकते हैं जो चिकन बनाया है, इसको आप पिज़्ज़ा टॉपिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इस चिकन को, और आप बना के सेव कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसको ब्रेड के टॉपिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़
माफ़ कीजिएगा कि नूरी मुझे से तंग कर, ठीक है, हमने दो ब्रेड के स्लाइस ले लिए, ठीक है जी, ये देख लीजिए दो ब्रेड के स्लाइस हमने ले लिए बच्चों के लंच के लिए। इसके ऊपर हम डाल लेंगे जी मायोनीज़, किनारे मैंने नहीं काटे, अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते आप काट सकते हैं, मेरे बच्चे खा लेंगे इसलिए मैं इनको यूज़ कर लूँगी, ठीक है। हमने इसके अंदर ले लिया है जी मायोनीज़, थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर हम स्प्रेड कर लेंगे चम्मच की मदद से, फोक की मदद से, छुरी की मदद से, जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर लें यूज़, इट्स अप टू यू टोटली। ये जी मैंने इसके ऊपर मिक्स कर लिया है मायोनीज़ जो लगाई थी, इसको मैंने ब्रेड के ऊपर जो है वो फैला कर उसको अच्छी तरह लगा लिया है। अब अगर आपके बच्चे जो है वो केचप यूज़ करते हैं, केचप डाल लें, चिली सॉस चाहते हैं वो भी आप डाल लें। मेरा जो है वो ये मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए, पहला फर्स्ट सैंडविच है वो बेटी के लिए, उसके अलावा मायोनीज़ के अलावा कुछ नहीं डालूँगी। अब मैं डालूँगी वही जो मैंने चिकन जो है बनाया है मैरिनेट किया, उसको मैं इसके ऊपर कर दूँगी, श्रेड करके रख दूँगी इसके ऊपर। ये देखें जी मैंने इस पर फैला के अच्छी तरह डाल दी है दोनों ब्रेड्स के ऊपर जगह जगह पर। ये चिकन के जो पीसे छोटे छोटे हैं, अगर आप चाहते हैं तो बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे ही रखे हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली इसके आगे बैठ जाएंगे इसके ऊपर और बंदा आराम से जो है बच्चे वो लंच बॉक्स में टिफ़िन बॉक्स में लेके जा सकते हैं स्कूल में आराम से खा सकते हैं। ये मैंने जी रख लिया इसके ऊपर, दोनों में अच्छी तरह से मैंने डाल दिए हैं। फिर मैं अब इसके ऊपर डालने के बाद मैं जितने की प्याज और जो है वो खीरे हैं मैं डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डाल रही, अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं तो इस पर बंद गोभी छोटी छोटी काट के बारीक बारीक काट के आप डाल सकते हैं, गाजर भी आप डाल सकते हैं। मैं इसलिए इस पर प्याज और खीरा जो है उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी, डालने के बाद हल्का सा इसको प्रेस करूँगी ताकि वो थोड़ा सा बैठ जाए इसके ऊपर। और फिर मैं इस पे ऊपर चीज़ ले लूँगी और मैं साथ में ले लूँगी चीज़ को जो है वो कद्दूकश करके इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें जी साथ में थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च भी ले लेंगे, ठीक है ये जी, ये थोड़ी थोड़ी सी जो है वो इन दोनों जो स्लाइसेस के ऊपर मैंने डाल दी है जी चीज़। अब चीज़ डालने से ये होगा कि जब ये पकेगा ना, चाहे आप इसको उसके ऊपर डाल लें जो आपके पास सैंडविच मेकर है उसमें भी बना सकते हैं और चूल्हे के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा दूँगी, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम निकलता है, कोई फ़र्क नहीं आता, क्रिस्पीनेस बिल्कुल एक जैसी आती है दोनों ब्रेड से, दोनों अगर आप स्टाइल में करते हैं। अगर आप ये देखें जी इसको हल्का सा हम प्रेस करके रख लेंगे, सारे जो हैं वो जितने भी छः के छः में बनाऊंगी सैंडविच वो मैं इसी तरह से, ये मैंने डाल लिया केचप डाल लिया, दूसरे बेटे के लिए डाल रही हूँ वो अब केचप खाएगा, इसमें मैंने जी डाल दिया ये चिली सॉस डाल लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया जी मायोनीज़ दोबारा से अगेन, उसको श्रेड किया फैला दिया अच्छी तरह से। फिर मैं वही चिकन की टॉपिंग डाल रही हूँ इसके ऊपर, चिकन की टॉपिंग डालने के बाद इसके ऊपर मैं वैसे ही अगर आपके खीरा यूज़ करते हैं खीरा यूज़ कर लें, प्याज और शिमला मिर्च के स्लाइस वो आप डाल लें सारा, और उसके बाद अगेन इसके ऊपर मैं चीज़ जो है वो मैं श्रेड कर दूँगी अच्छी तरह से। फिर ये इसको दोबारा से मैं इसके ऊपर दूसरा जो है स्लाइस रख के प्रेस करके साइड पर रखती जाऊँगी। फिर एक ही टाइम पर जब सब सब बन जाएंगे, हाफ़ को मैं जो है सैंडविच मेकर के अंदर कर लूँगी और हाफ़ को जो है वो मैं चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन के अंदर भी कर लूँगी, इस तरह से काम भी जल्दी होगा और दोनों तरह से रिज़ल्ट मैं बता चुकी हूँ कि बिल्कुल सेम निकलेगा, बिल्कुल क्रिस्पीनेस आएगी इसके ऊपर और मज़े के बनेंगे। ये मैं केचप डाल दूँ, लास्ट बैच जो है मैं अब बना रही हूँ इसके ऊपर छोटे बेटे के लिए, ठीक है। ये भी सैंडविच हमारा बन गया, इस पर लास्ट में मैं अब दोबारा से अगेन जो है वो चीज़ डालूँगी, चीज़ अवेलेबल है सुबह के टाइम डाल लें, नहीं है आपके पास आप शिमला मिर्च बंद गोभी कुछ भी आप ऐड करें नहीं है तो सिंपल जो है आप बगैर चीज़ वगैरह के सिर्फ चिकन डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है वो तवे पे या फ्राई पैन में या सैंडविच मेकर में इसको रोस्ट के बगैर भी आप इसको खा सकते हैं, ये ऐसे भी बड़े मज़े के लगेंगे, ठीक है। ये जो हमारे बन गए हैं तमाम के तमाम, अब मैंने सैंडविच मेकर को ओपन कर लिया, हल्की सी ऑयलिंग करूँगी इसको ताकि जो ब्रेड डालू पर चिपके ना, ठीक है। ये भी अब मैं दोनों जो है इसके बाद ऑयलिंग करने के बाद इसके अंदर जो सैंडविच है वो मैं इसके अंदर रख दूँगी दोनों को। ये देखें जी दोनों साइडों पर रख दिए, आप इसको बंद करके तकरीबन एक मिनट में ये बेक हो जाएंगे, सैंडविच बन जाएंगे इसके। अब ये जी पैन में भी मैं हल्का सा ऑयल लेके लगा के ग्रीस करके उसके ऊपर सैंडविच रख लूँगी और हल्की आँच पर जो है वो भी एक एक मिनट के लिए, दो मिनट में हमारे इस फ्राई पैन में बन जाएंगे। ये देखें जी हल्का सा प्रेस करूँगी दबाऊँगी, ये देखें जी अभी बन जाएगा, ये रेडी हो गया एक तरफ से, हल्का हल्का सा जो है ब्राउन होने शुरू हो गया। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बना लूँगी और उसको कवर कर दूँगी। ये हमारे सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। नूरी शदीद तंग कर रही है जी मुझे आज, नूरी ने बहुत तंग किया हुआ है। ये देखें जी सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बड़े अच्छे बड़े मज़े के बने हैं। ये देखें जी ये हमारी रेसिपी जो है वो आज की बिल्कुल 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 रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने इसमें ना वो छुरी से या किसी भी चीज़ से ना आपने दो तीन कट लगा लें, कट लगा के रख दें ताकि बच्चे आराम से ले जाएं ना जब स्कूल, तो वो आराम से पीसेस निकाल के खा लें अगर पूरी पूरी ब्रेड अगर वो नहीं बिचारे उठाना, ठीक है।
ये जो है एज अ टी टाइम स्नैक भी है, एज अ सुबह ब्रेकफास्ट में बना के बच्चों को दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप लंच बॉक्स में ये रेसिपी बना के दे सकते हैं, बड़ी मज़े की बनती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, अपने हिसाब से आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सकें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।